अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस बलवाल। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रेंज कैटल। हमने स्ट्रेंज कैटल को पढ़ा, हमने देखा कि वो अनोखी केतली क्या क्या करतब दिखा रही थी। तो आज हम लेक्चर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि जब हर चीज को उसने दोगुना कर दिया, उसके उनके जो कॉइन्स थे उनको दोगुना कर दिया, जो मील था खाना था उनको उसको दोगुना कर दिया, हर चीज को जब दोगुना कर दिया, लेकिन जब उसने अपनी बीवी को उठाया झूमते हुए, जब वो केतली के अंदर गिर गई और उसकी दो बीवियां हो गई, तब वो परेशान हो गया। अब लकड़हारा बहुत परेशान है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि लकड़हारे को क्या क्या परेशानी दरपेश आई। सो टुडे वी विल डिस्कस द वरीड वुडकटर। वुडकटर जो लकड़हारा था बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? बिकॉज नाउ ही हैड टू वाइफ। अब वो क्या कि मैं किस तरह टू वाइफ्स के साथ किस तरह मैं सरवाइव कर पाऊंगा, तो वो दो बीवियों की वजह से बहुत परेशान था। तो वो उसने दोनों बीवियों से पूछा कि क्या मैं दो बीवियों के साथ सरवाइव कर पाऊंगा? तो उन्होंने कहा नो, वी कांट लिव टुगेदर, हम इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। तब क्या हुआ कि दोनों जो उसकी कनिंग बीवियां थी उन्हें ख्याल आया और उन्होंने अपने कान जोड़े और एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, वुड कटर को पकड़ा दोनों हाथों से और पुट इंटू कैटल और कैटल के अंदर फेंक दिया। जी स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, नाउ देयर वर टू वुड कटर्स। अब वहां पे दो वुड कटर्स थे। अब दो लकड़हारे उस केतली से बाहर आ गए। अब क्या हुआ कि अब वो पहले वाला जो लकड़हारा था वो दोबारा परेशान हो गया। उसने कहा कि नाउ वी हैव वन हाउस वन गार्डन एंड वन स्ट्रेंज कैटल। एक ही केतली है, एक ही घर है, एक ही गार्डन है, हाउ वी कैन लिव टुगेदर, हम चार इस घर में इस गार्डन के साथ इस केतली के साथ किस तरह रहेंगे। नाउ द ओल्ड वुड कटर्स, जो पुराने वाला जो लकड़हारा था वो अगेन से परेशान हो गया। नाउ ही इज अगेन वरीड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब वो पुराने वाला जो लकड़हारा है और उसकी जो बीवी है, उनकी ये इन परेशानियों से कैसे निकल पाएंगे, कैसे वो इन सब परेशानियों से निकल कर दोबारा अपनी अच्छी सी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू वोट टू द रीडिंग। अब हम रीडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आज का हमारा रीडिंग का जो पेज है वो है पेज नंबर 11। आप पेज नंबर 11 पे आए जी स्टूडेंट्स। यहां से जब वो पूछते हैं ओ नो, अब क्या होगा कि हाउ कैन आई हैव टू वाइफ्स एट द सेम टाइम, मैं सेम टाइम में टू वाइफ्स किस तरह रख पाऊंगा। तो यहां से अब हमने स्टार्ट करना है। यू कांट, जब कांच आ जाए तो इसका मतलब है तुम नहीं कर सकते हो। यू कांट, तुम नहीं कर सकते हो। सेड द टू वाइफ्स, दोनों बीवियों ने कहा कि तुम दो बीवियां नहीं रख सकते हो। द वुमेन पुट देयर हेड्स टूगेदर, द वुमेन, औरतों ने पुट देयर हेड्स टूगेदर, अपने सर को सरों को मिलाया, मतलब कि कोई सरगोशी की आइडिया कोई उन्हें सूझा। एंड केम अप विद एन आइडिया, और एक आइडिया आया उन्हें। दे ईच कॉट वन ऑफ द वुड कटर्स आर्म, उनमें से हर एक ने लकड़हारे के बाजू को पकड़ा एंड थ्रू हिम इनटू द केटल, थ्रू हिम इनटू द केटल। जी स्टूडेंट्स, यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। थ्रू हिम, इसको फेंका इनटू द केटल, केतली के अंदर। उनमें से हर एक ने लकड़हारे के एक बाजू को पकड़ा और केतली के अंदर फेंक दिया। टू वुड कटर्स क्लाइम्ड आउट ऑफ द केटल, अब दो लकड़हारे केतली के बाहर आए। दे लुक्ड एट वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा। देन दे लुक्ड एट द टू वाइव्स, तब उन्होंने
दो बीवियों की तरफ देखा, ओ नो नाउ दे आर फोर ऑफ अस इन द हाउस, ओहो अब हम चार इस घर में हैं। दे क्राइड, क्राइड मीन चिल्लाए, वो चिल्लाए। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टूवर्ड आर ट्रांसलेशन, हम ट्रांसलेशन की जानिब जाएंगे। नाउ मेंटेन योर नोटबुक, यहां पे आप डे राइट करेंगे, डे डेट राइट करें, और यहां पे टॉपिक आज का है ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन पेज है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वहां से एक एक सेंटेंस पढ़े और इसको ट्रांसलेशन करते जाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू हैव मेंटेन योर पेज, ट्रांसलेशन मैं पढ़ देता हूं। तुम नहीं रख सकते, दोनों बीवियों ने कहा। दोनों औरतों ने अपने सर जोड़े और एक ख्याल आया। इनमें से हर एक ने लकड़हारे का एक बाजू पकड़ा और इसको केतली के अंदर फेंक दिया। दो लकड़हारे केतली से चढ़कर बाहर निकले। उन्होंने एक दूसरे को देखा, ओ नहीं अब हम इस घर में चार हैं, वो चिल्लाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की ट्रांसलेशन थी। आपने ये ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक पे राइट करनी है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। आवर टूडेज क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द टू वुमेन टॉस, टॉस मतलब फेंका, द वुड कटर इनटू द केटल। दोनों बीवियों ने क्यों लकड़हारे को केतली के अंदर फेंका। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है ये इस क्वेश्चन का रिलेशन इस पैराग्राफ और थोड़ा सा कनेक्शन पिछले पैराग्राफ के साथ है कि लकड़हारे की दोनों जो बीवियां थी उन्होंने लकड़हारे को क्यों केतली के अंदर फेंका। तो यू नो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। पैराग्राफ को रीड करें और उसका आंसर तलाश करें। इतने में मैं नोटबुक को मेंटेन कर देता हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, डे डेट, यहां पे टॉपिक राइट करना है कॉम्प्रिहेंशन। यहां पे यू विल राइट द क्वेश्चन। आई डोंट राइट द क्वेश्चन बिकॉज ऑफ टाइम, लैक ऑफ टाइम। आई राइट द आंसर ओनली। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका आंसर तलाश कर लिया होगा। दोनों बीवियों ने लकड़हारे को क्यों केतली के अंदर फेंका, बिकॉज दे डिसाइडेड दैट वुड कटर कांट हैव टू वाइव्स एट द सेम टाइम, क्योंकि वो ये समझ चुकी थी कि लकड़हारा दो बीवियां एट ए टाइम नहीं रख सकता है। सो मैं इसका आंसर राइट कर देता हूं, बिकॉज दे डिसाइडेड दैट वुड कटर कांट हैव टू वाइव्स एट द सेम टाइम। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन था। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है और अपनी नोटबुक पे राइट करना है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड आवर वोकैबुलरी वर्ड्स। आज के हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स कौन से होंगे, वो डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, उसके मीनिंग और सरेनम्स पढ़ेंगे। आपने डे डे राइट करना है, अगेन से वोकैबुलरी राइट करना है। यहां पे हम राइट करेंगे वर्ड्स, यहां पे राइट करेंगे मीनिंग्स, एंड हियर वी विल राइट द सिनोनिम्स ऑफ दैट वर्ड्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे टुगेदर, सेकंड है क्लाइम, थर्ड है कैच, फिर है क्राई। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने ट्रांसलेशन को पढ़ा, राइट किया, आप लोग मुझे बताएंगे टुगेदर, टुगेदर का मीनिंग क्या होगा। गुड, जब आप रीडिंग करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो मीनिंग याद हो जाते हैं आपको। गुड, टुगेदर मीन इकट्ठे। ओके, टुगेदर का सिनोनिम क्या होगा, जॉइंटली। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लाइम, क्लाइम बहुत कॉमन वर्ड है, क्लाइम का मीनिंग क्या होगा, चढ़ना। ओके, थिंक अबाउट द सिनोनिम ऑफ क्लाइम क्या होगा, एसेंट, ए एस ई एन डी, एसेंट, चढ़ना। हम मैथ में पढ़ते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि हम छोटे वर्ड से बड़े वर्ड्स की जानब जाते हैं, मतलब कि चढ़ते हैं छोटे वर्ड से बड़े वर्ड्स की जानब जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कैच, कैच का सिनोनिम क्या होगा, कैच का मीनिंग पकड़ना। ओके, कैच का सिनोनिम कैप्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्राई बहुत कॉमन वर्ड है। गुड, एक्सीलेंट।
सबको पता है क्राई मीन रोना। ओके, क्राई का सिनोनिम क्या होगा? एक्सीलेंट। क्लास बहुत लाइक होगी है, मीनिंग सिनोनिम्स बहुत ज्यादा आपको आगे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज की डायरी में आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हमने आज पढ़ा कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ दैट वुड कटर, उसको हमने समझा। उसके बाद हमने कॉम्प्रिहेंशन की, ट्रांसलेशन की, उसके बाद हमने वोकैबुलरी वर्ड्स किए। और ये काम आपने अपनी नोटबुक, ये काम आपने अपनी नोटबुक पे मेंटेन करना है और इस लेक्चर को लर्न करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।